man is becoming an adopted child. Ricky! मुझे किसी की मदद करने के बाद बहुत अच्छा महसूस होता है ना दोस्तों? हाँ हाँ बिल्कुल सही कहा, मुझे भी। अच्छा दोस्तों, मैं चलती हूँ। बाय बाय। ओके गुड बाय बूबी, अब घर जाके आराम करूँगा। अरे क्या हुआ, क्या बात है, मैं कुछ मदद करूँ? परमैन, अगर आप कहे तो मैं इस गाड़ी को उठा लेता हूँ। ठीक है परमैन। तुमने तो सच में उठा लिया। सिर्फ उठाया नहीं, अब आपको घर पे भी छोड़ दूंगा। मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना था, पर आज पहली बार तुमसे मिल रहा हूँ। तुमने जो किया है परमैन, उसे तुम्हें पैसों से भी नहीं खरीद सकता। जी थैंक यू, ये मेरा फर्ज है सर। हाँ वो रहा हमारा घर, तुम हमें वहीं उतार दो परमैन, उस बिल्डिंग के नीचे। यहाँ इनका घर? देखो देखो हमारे बॉस आ गए। लीजिए हम पहुँच गए। थैंक यू वेरी मच। मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ ये बताओ। नहीं नहीं कुछ भी नहीं। नहीं नहीं ऐसे नहीं चलेगा, तुम्हें चाय तो पीनी ही पड़ेगी। नहीं नहीं अभी नहीं, बाद में कभी, मुझे अभी घर जाना है। नहीं नहीं मैं कुछ नहीं सुनूंगा, तुम्हें आना ही पड़ेगा। ओके ओके पर हाथ तो छोड़िए। मेरी पकड़ से आज तक कोई नहीं छूट पाया है। आप तो पहलवान का दम रखते हैं, हाथ लाल कर दिए। वाओ ये तो पूरी की पूरी आर्ट गैलरी लगती है। छोटे सर आप यहीं पर बैठिए, हमारे बॉस आते ही होंगे। हाँ बैठ जाइए। यहाँ सब कुछ कितना सुंदर है, वाह। और ये गार्डन तो देखो कितना अनोखा है। इस गार्डन की जितनी तारीफ करो उतनी कम है, बिल्कुल ये किसी प्लेग्राउंड की तरह है। सॉरी तुम्हें इंतजार करना पड़ा। नहीं नहीं कोई बात नहीं, दरअसल अब मेरे वापस जाने का वक्त हो गया है, मुझे एक जरूरी काम करना है, मैं बाद में मिलूंगा। पर एक मिनट रुको तो, इतनी भी जल्दी क्या है? जानते हो परमैन, मैं तुम्हें अडॉप्ट करना चाहता हूँ। जी क्या कहा आपने, मैंने जो भी सुना सही सुना, आप मुझे अडॉप्ट करना चाहते हैं? मेरे दिल की इच्छा यही है परमैन, मेरे पास सब कुछ है, पैसा है, गाड़ी है, बंगला है, ऐसा कुछ नहीं जो मैं नहीं खरीद सकता, बस मेरा अपना कोई नहीं है। मैं चाहता हूँ तुम जैसा मेरा एक बेटा हो, तुम एक परमैन हो, तुम मेरा एम्पायर आसानी से संभाल सकते हो, तुम सब कुछ कर सकते हो परमैन। बात तो सही है लेकिन ये मुमकिन नहीं है। मैं सब करके रहूंगा, बस एक बार तुम मेरे बेटे बन जाओ और इस दुनिया मुझे देखेगी, मैं आसमान में उड़ने लगूंगा, मुझे हर कोई जलेगा। इस घर के लिए तुम जैसा परमैन ही एक परफेक्ट बेटा है। नहीं नहीं ऐसा सोचिए भी मत प्लीज। मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ परमैन, तुम्हें ऐसा मौका फिर कभी नहीं मिलेगा, ये तुम्हारे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अगर तुमने इसे रिफ्यूज किया तो मेरा दिल टूट जाएगा और मैं सुसाइड कर लूंगा। नहीं नहीं ऐसा करने की सोचिए भी मत, ये गलत है। अच्छा ठीक है मैं रुक जाता हूँ, यानी तुमने मेरी बात मान ली है ना? असल में मुझे अपने दोस्तों से पूछना पड़ेगा कि मैं ये करूँ या नहीं। ओके मैं समझ गया, तो अब एक अडॉप्शन पार्टी रखेंगे और सबको सेलिब्रेशन के लिए बुलाएंगे। अडॉप्शन पार्टी, ये क्या कह रहे हैं? कल ही पार्टी होगी, मैं सब कुछ अरेंज कर दूंगा मेरे प्यारे बेटे। लेकिन ये थोड़ी जल्दबाजी नहीं हो रही है, कल मतलब पार्टी तो कल ही होगी, अगर नहीं हुई तो मैं कूदने जा रहा हूँ। अरे बात बात तो ये क्या कह रहे हैं, कूद जाऊंगा रुकिए। परमैन मुझे कंफ्यूज मत करो प्लीज परमैन, इस बेचारे अमीर आदमी की रिक्वेस्ट मान लो वरना मैं कूद जाऊंगा। बाल बाल बच गए, तुमने मुझे बचा लिया यार। ये तो वाकई बहुत मुश्किल चॉइस है, लेकिन अगर ध्यान से सोचो तो बात तो फायदे की लगती है। एक ही पल में मैं अमीर बन जाऊंगा और फिर मैं जो चाहूँ वो कर सकूंगा, मेरे बाकी के दोस्त भी मुझे और ज्यादा भाव देने लगेंगे। हाय 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 कैसे हो दोस्तों? अरे वाह मजा आ गया। क्या तुम अडॉप्ट होने जा रहे हो? हाँ बहुत सोचने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुँचा हूँ, यानी अब से मैं हमेशा के लिए मिस्टर कानिनारी के घर पर रहूँगा, तो तुम्हें यहाँ पर मित्सो बनकर रहना होगा हमेशा के लिए। लेकिन मुझे भी तो अडॉप्ट होना है, मुझे भी वहाँ जाना है। ठीक है तो कभी कभी तुम भी वहाँ रह लेना। हाँ पर अभी परवर कुछ नहीं, मैं तो बस तुम्हें मिची को कबाओ और बाकी सबको पार्टी के लिए इन्वाइट करने आया था, अब चलता हूँ। अरे सुनो तो, आज मुझे ये अनाउंस करते हुए बहुत खुशी हो रही है कि परमैन को मैं अपना बेटा मानकर अडॉप्ट करने जा रहा हूँ। अरे नहीं 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 अभी नहीं अभी नहीं, अभी मुझे सर मत कहिए, मैं ऑफिशियली कल अडॉप्ट हो रहा हूँ, तो कल से कहना। ओ परमैन ऐसा मत कहो, कम ऑन जल्दी से मुझे डैड बुलाओ। डैड डैडी 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 डैड। ओ
परमैन, मेरे बच्चे। परमैन को बुलाओ, परमैन को बुलाओ, परमैन को बुलाओ। हमारे साहब अभी सो रहे हैं, पहले उसे बुलाओ, हमें अभी के अभी उससे मिलना है। तुम उनसे इस वक्त नहीं मिल सकते, बिल्कुल नहीं, सोने दो। पर क्यों नहीं? अगर हम अभी मिलना चाहे तो, आखिर परमैन हमारा दोस्त है। ये बच्चे ऐसे नहीं सुनेंगे, तुम इन्हें सबक सिखाओ। कौन चिल्ला रहा है सुबह सुबह? सर आपको क्या हुआ, कुछ चाहिए? आप कहाँ जा रहे हैं? मुझे ड्यूटी पर जाना है। मुझे बड़े साहब को बताना होगा। सर सुनिए तो, बड़े साहब मुझे नहीं छोड़ेंगे। लेट आए हो। सॉरी सॉरी, मैं बहुत जरूरी काम में बिजी था दोस्तों, माफ कर। ड्यूटी पर ये लड़की हो? वो कहना, वो दरअसल। सर किसका? सर हमारी बात सुनिए। सर आप यहाँ पर आ जाइए, इसमें बैठ जाइए। सर ये क्या राज है, ये सर क्यों कह रहे हैं, क्या हुआ बताओ? ये सब मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, पहले तुम मुझे उस लोकेशन पर ले चलो जहाँ पर हमें जाना है। चलो जल्दी। ओके सर। चलो चलो। हाँ? ये आवाज कैसी? सर प्लीज ये मत कीजिए, हेलीकॉप्टर में बैठ जाइए। पहुंच गया। आपकी जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई है, इसलिए प्लीज अपनी जगह इन लोगों को काम करने का मौका दीजिए। ये तो कमाल की बात है। ये सब क्या हो रहा है? हाँ? समझ में नहीं आ रहा, ये सब कौन है? ये तो बहुत बड़े बिजनेस एम्पायर के लोग हैं। मैंने सोचा ही नहीं था ये हर काम में दखल अंदाजी करेंगे। मैंने एडॉप्शन के लिए हाँ किया, यही गलती कर दी। अरे पैसे के लालची राम, तुमने हाँ कहा ही क्यों? वो इसलिए क्योंकि अगर मैं मना करता तो वो कूद जाते। अरे ये क्या हुआ, इन्होंने तो काम सुधारने की जगह और बिगाड़ दिया। अरे इन्होंने तो हमारा काम डबल कर दिया। तुम्हें ही अमीर बनने का शौक था ना, अब खुद ही करो। चलो हम चलते हैं अब यहाँ से। अरे सुनो तो मेरी बात, ये तो चले गए। हमें परमैन वापस करो, हमें परमैन वापस करो, वापस करो, हमारे परमैन को वापस करो, वापस करो, वापस करो। आपने देखा सर? देखा, ये तो बड़ी अजीब बात है। परमैन कहाँ है? वो अभी तक ड्यूटी कर रहा है। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, परमैन को मुझे अडॉप्ट करने दीजिए आप लोग। परमैन के बिना मैं अब नहीं रह सकता। काम करते करते थक गया। अरे अब ये क्या है? अरे वो देखो परमैन। हाँ, अरे हाँ परमैन, परमैन तुमने हमें धोखा दिया। परमैन हम यहाँ हैं। परमैन अब मैं क्या करूं? शांत हो जाओ बच्चों, मैं परमैन को अडॉप्ट करने की जिद छोड़ रहा हूँ। अरे ये तो मान गए। अरे बाप, देखकर दिखाओ। तुम लोग भी बड़े ही अजीब दोस्त हो। हम सब परमैन के फैन हैं। चलो दोस्तों इसे उठाते हैं। कितना प्यार है इन सब बच्चों में। अरे अरे खुशी के आंसू निकल रहे हैं। सच में। अरे अरे चलो कम से कम एक दिन के लिए इसे ही मैं